हे एवरीवन, आई एम चंचल फोर और आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के अंडर अपना नया चैप्टर दैट इज इंटरनेशनल प्रोडक्शन। तो आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कि एक फर्म को अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को एक सिंगल कंट्री में लोकेट करना चाहिए या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। देन वी विल लर्न कि फॉरेन प्रोडक्शन साइट का लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक रोल क्या होना चाहिए। उसके बाद जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं, क्या उन्हें हम खुद प्रोड्यूस करें या फिर उन्हें आउटसोर्स कर दे रिस्पेक्टिव वेंडर्स को। उसके बाद एक ग्लोबल सप्लाई चेन को कैसे मैनेज किया जाता है, वी विल लर्न दैट। एंड फाइनली वेदर दीज लॉजिस्टिक एक्टिविटीज शुड बी टेकन बाय द फर्म इटसेल्फ और दीज शुड बी आउटसोर्स्ड। तो ये पांच क्वेश्चंस या ये पांच हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे आज के चैप्टर में। एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर्स यू वुड बी एबल टू आंसर दीज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल प्रोडक्शन सुनते ही माइंड में आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली जब भी हम कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो जब तक एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो जाता तब तक डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं और यही सारी एक्टिविटीज मिलकर क्या कहलाती हैं, प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन इज द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट। इट इंक्लूड्स बोथ द सर्विस एंड द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। अब जो हमारी ये इंटरनेशनल प्रोडक्शन है या इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू लोअर द कॉस्ट। तो बेसिकली एक कंपनी ये डिसाइड करती है कि वो अपने कॉस्ट को कम कैसे करेगी। लेट अस से देयर इज अ कंपनी ए, तो इसने डिसाइड किया कि ये अपनी जो एक्टिविटीज है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर डिस्पर्स कर देगी सो दैट हर एक एक्टिविटी जो है वो बहुत ही एफिशिएंटली परफॉर्म की जाए। अगर वो एफिशिएंटली परफॉर्म की जाएगी तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी। सेकेंडली अगर लॉजिस्टिक्स की बात की जाए तो अगर हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी एफिशिएंट है तो हमें बहुत ज़्यादा इन्वेंटरीज को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हैंस हमारी वेयर हाउसिंग कॉस्ट और बाकी सारी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएंगी। एंड फाइनली द ऑब्जेक्टिव ऑफ लोअर कॉस्ट इज अचीव्ड। देन द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड और ये इसी का ही एक पार्ट है क्योंकि अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट काफ़ी एफिशिएंट होगी तो कॉस्ट कम होगी। एंड लास्टली टू इंक्रीज द प्रोडक्ट क्वालिटी बाय एलिमिनेटिंग द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। तो अब यहाँ पर क्वालिटी का मतलब क्या है, रिलायबिलिटी, मतलब कि जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट्स नहीं है एंड इट विल परफॉर्म वेल। तो अगर परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी इंक्रीज हुई तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऑल्सो हमारा जो रीवर्क है वो भी कम हो जाएगा एंड हमारी जो वारंटी कॉस्ट है वो भी कम आएगी। सो अगर प्रोडक्टिविटी कम होती है और हमारा रीवर्क कम हो जाता है तो दैट मीन्स हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाएंगी। और अगर हमारी वारंटी कॉस्ट कम होती है दैट मीन्स कि हमारी सर्विस कॉस्ट कम होगी, क्योंकि अगर हमारे प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के हैं तो वो खराब नहीं होंगे एंड हेंस हमें उन्हें बार बार एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा अंडर द वारंटी कार्ड्स, राइट। तो दैट मीन्स हमारी वारंटी कम है विच इन टर्न इम्प्लाइज कि हमारी सर्विसिंग कॉस्ट जो है वो कम है। अब ऑब्वियस सी बात है अगर हमारी कॉस्ट कम है दिस मीन्स कि हमारे प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। सो रिलायबिलिटी इम्प्रूव होने से हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब इस रिलायबिलिटी या इस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या एनहांस करने के लिए मैनेजर्स क्या यूज करते हैं, सिक्स सिग्मा, राइट, विच इज अ सक्सेसर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो बेसिकली जो सिग्मा होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम अ मीन। तो जितने ज्यादा सिग्मा होंगे उतने ही कम हमारे नंबर ऑफ एरर्स होंगे। सो सिक्स सिग्मा में क्या होता है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो 99.99966% एक्यूरेट होगा। दैट मीन्स सिर्फ 3.4 डिफेक्ट्स होंगे पर मिलियन यूनिट्स।
So this is a very difficult or kind of impossible for a company to achieve such perfection. Lekin Six Sigma quality jo hai wo basically har ek company ko ek goal provide kar deta hai ki wo itni accuracy ke saath kaam kare. So this has been adopted by Motorola, General Electric and Honeywell. Now moving forward, we will discuss ki ek company ko kahan produce karna chahiye. So suppose meri ek company hai A and I decide to produce in China. But ye jo decision hai China mein produce karne ka, ye main ekdam se to nahi le sakti. I have to consider different factors ki wahan par economy kaisi hai, wahan ki political stability kaisi hai, ya fir wahan pe technology kaisi hai. So different factors ko hame consider karna padega. To kisi bhi country mein enter karne se pehle, we need to consider different factors so that ki agar main us country mein apni activities ko lekar ja rahi hu, to wahan jaane se mujhe lower cost aur increased efficiency ka benefit mile. Agar ye benefits mujhe nahi milte hain to us country mein jaane ka koi fayda nahi hai. So कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को किसी कंट्री में ले जाने से पहले कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करती है. हमने उन फैक्टर्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. द फर्स्ट इज कंट्री फैक्टर्स, द सेकंड इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड थर्ड इज प्रोडक्ट फैक्टर्स. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कंट्री फैक्टर्स को. तो पहला जो हमारा फैक्टर है वो है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या डिफरेंसेस हैं. तो पॉलिटिकल इकोनॉमी मतलब कि एक कंट्री में क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या फिर नहीं, उस गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं रिगार्डिंग दी फॉरेन एंटिटीज एंड सो ऑन. तो पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ साथ हम लोग उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी कंसिडर करते हैं कि वेदर देर इज इंफ्रास्ट्रक्चर विच वी नीड और वहाँ की इन्फ्लेशन रेट क्या है या फिर इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं. सो ऑल दिस नीड्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर सेटिंग अप आवर एक्टिविटीज इन अनदर कंट्री. सो बेसिकली हमें ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस देखनी पड़ती है एक कंट्री की. अब इसमें क्या आएगा कि इस कंट्री में सेटअप करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उससे हमारी कॉस्ट क्या है और हमारे कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं. तो हमारे बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं. बेसिकली जो उस इकोनॉमी का साइज है अगर वो काफी ज्यादा है, सो दैट मींस कि हमारी जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगी उस कंट्री में. कॉस्ट क्या क्या हो सकती है, जैसे कि उस कंट्री में करप्शन कितना है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो नहीं है वहां पर, या फिर वहां पर लीगल कॉस्ट क्या आएंगी एंड सो ऑन. सो द फर्स्ट रिस्क कुड बी पॉलिटिकल रिस्क. अब पॉलिटिकल रिस्क मतलब कि स्टेबिलिटी कैसी है वहां की, सोशल अनरेस्ट तो नहीं है उस इकोनॉमी में एंड सो ऑन. ऐसे ही हमें इकोनॉमिक रिस्क को भी कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब कि जो उनकी इकोनॉमी है वो अच्छे से मैनेज हो पा रही है या नहीं, वहां की ग्रोथ कैसी है, इन्फ्लेशन कैसा है, इंटरेस्ट रेट्स क्या है एंड सो ऑन. एंड फाइनली कोई लीगल रिस्क तो नहीं है. अब लीगल रिस्क में क्या आ जाएगा, जैसे कि अगर कोई प्रोप्राइटरी राइट्स हैं तो उनके सेफगार्ड के क्या प्रोविजंस हैं उस कंट्री में, दैट इज आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. तो पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए वी नीड टू कंसिडर द स्टेबिलिटी, द रूल्स एंड रेगुलेशंस, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एटसेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्री फैक्टर्स के अंडर जो कि एक कंपनी को ध्यान रखना है, दैट इज डिफरेंसेस इन द कल्चर. अब कल्चर के अंडर क्या क्या आता है, सो कल्चर के अंडर आता है रिलीजन कि एक इकोनॉमी में कौन सा रिलीजन फॉलो किया जाता है, हिंदुज्म, क्रिश्चियनिटी एंड सो ऑन. देन वी कंसिडर द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ दैट इकोनॉमी. अब सोशल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि उस इकोनॉमी में इंडिविजुअलिज्म फॉलो होता है या फिर कलेक्टिविज्म फॉलो किया जाता है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन दी लैंग्वेज, ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्रीज की लैंग्वेज डिफरेंट है. तो आपको अगर किसी कंट्री में जाकर अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज स्टार्ट करनी है तो उस कंट्री की लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू डायरेक्ट योर एम्प्लॉयज. सिमिलरली एजुकेशन लेवल्स क्या है उस इकोनॉमी के, सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कम अंडर द कल्चर.
अब कल्चर का बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है वॉलमार्ट, जो कि जर्मनी में एंटर किया था। एंड आई होप आपको पता है कि यूएस बेस्ड कंपनी है वॉलमार्ट, जिसने कि जर्मनी में एंटर किया था अराउंड 1997। सो 1997 में वॉलमार्ट ने दो जर्मन कंपनीज को एक्वायर किया था और वहां पर अपनी एक्टिविटीज को स्टार्ट किया, बट इन्होंने जर्मनी के कल्चर को नहीं समझा। दैट मींस उन्होंने क्या क्या गलती की वाइल एंटरिंग इनटू जर्मनी। तो जो उनका उस टाइम पर सीईओ था, ही वाज आल्सो फ्रॉम यूएस एंड हेंस ही डिडंट नो हाउ टू स्पीक जर्मन। और इस सीईओ ने बोला कि जो मैनेजमेंट लेवल पर एक्टिविटीज होंगी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रहेगी, ना कि जर्मन। सो बेसिकली अगर कोई भी चीजें डिस्कस की जाएंगी तो वो इंग्लिश में ही डिस्कस की जाएंगी। तो ये बात ऑब्वियसली एम्प्लॉयज को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि जो एम्प्लॉयज थे वो जर्मनी से बिलोंग करते थे एंड हेंस दे वर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश। तो पहली गलती तो वॉलमार्ट ने यहाँ पर की। सेकंड, उनसे क्या गलती हुई कि जो जर्मनी का लीगल फ्रेमवर्क है या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो काफी डिफरेंट था। थर्डली, जो जर्मन का शॉपिंग कल्चर है वो भी यूएस से काफी डिफरेंट है। तो यहाँ पर जब जर्मनी में वॉलमार्ट ने एंटर किया तो जर्मनी के लोगों को लगा कि वो अपना जो यूएस का जंक है वो हमें यहाँ पर बेच रहे हैं। दैट मीन्स कि जो जर्मन पीपल हैं वो क्वालिटी को काफी वैल्यू करते हैं, लेकिन सिंस जो वॉलमार्ट के प्रोडक्ट्स के रेट्स थे वो काफी कम थे, तो जर्मनी के लोगों को लगता था कि उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। एंड हेंस सम ऑफ द राइवल्स इन द जर्मनी कैरेक्टराइज्ड वॉलमार्ट एज अमेरिकन जंक। उसके बाद एक और गलती जो वॉलमार्ट ने की वो ये की कि उन्होंने जो वेज रेट है वो काफी लो सेट किए। जर्मनी में वेज रेट्स काफी हाई हैं और वहां पर जो यूनियंस हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग हैं। तो जब वेज रेट कम सेट किए गए तो ये जो यूनियन है इन्होंने क्या किया, ये सारे के सारे वॉलमार्ट स्टोर से बाहर निकल गए एंड स्ट्राइक की। सो दीज वर द डिफरेंट थिंग्स जो वॉलमार्ट ने कंसिडर नहीं की। और ये सारी चीजें किसके अंडर आती हैं, कल्चर के अंडर। तो क्योंकि यूएस और जर्मनी का कल्चर काफी डिफरेंट है, तो वॉलमार्ट ने जब जर्मनी में एंटर किया उन्हें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं रखा और उसी की वजह से वॉलमार्ट जो है वो जर्मनी में सक्सेसफुल नहीं रही। नाउ द नेक्स्ट कंट्री फैक्टर इज डिफरेंसेस इन फैक्टर कॉस्ट। नाउ द फैक्टर कॉस्ट का गुड एग्जाम्पल इज फिलिप्स इन चाइना। तो बेसिकली फिलिप्स ने एंटर किया चाइना में क्योंकि वहां पर जो वेज रेट्स थी वो काफी कम थी। तो यहाँ पर जो फैक्टर कंसिडर किया गया वो था लेबर एंड हेंस फिलिप्स एंटर्ड इनटू चाइना। बट फिलिप्स ये देखना भूल गया कि अगर वहां पर वेज रेट्स कम है तो उनकी परचेजिंग पावर भी कम होगी एंड हेंस जो प्रोडक्ट्स थे वो चाइनीज ने परचेज नहीं किए। तो उनका जो ये प्लान था वो फ्लॉप हो गया एंड हेंस दे चेंज देयर प्लान। और उन्होंने नई स्ट्रैटेजी क्या बनाई कि वो अपनी जो फैक्ट्रीज हैं वो तो चाइना में ही रखेंगे बट अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे। तो जो उनका इनिशियली प्लान था कि वो चाइना में एंटर करेंगे ड्यू टू लोअर वेजेस और वहां पर प्रोडक्शन करेंगे और वहीं पर सेल करेंगे, वो स्ट्रैटेजी फेल हो गई क्योंकि वहां पर परचेजिंग पावर कम थी एंड हेंस दे मेड अ न्यू स्ट्रैटेजी और उन्होंने चाइना में प्रोड्यूस किया एंड हेंस वहीं से अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया टू डिफरेंट कंट्रीज। उसके बाद आता है ट्रेड बैरियर्स। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड बैरियर्स होते हैं। तो कोई भी कंपनी अगर किसी कंट्री में अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को सेटअप करना चाहती है तो ट्रेड बैरियर्स को उन्हें फेस करना पड़ेगा। देन द नेक्स्ट इज लोकेशनल एक्सटर्नैलिटीज। तो अब जो ये लोकेशन एक्सटर्नैलिटीज है ये क्या होता है, तो बेसिकली ये देखता है कि एक कंट्री में स्किल्ड लेबर कितने हैं और उसकी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज कैसी हैं। अगर ये दोनों चीजें वहां पर अवेलेबल हैं तो ही उस कंट्री में अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को हमें सेटअप करना चाहिए, अदरवाइज नॉट। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो बेसिकली ताइवान में क्या है, देयर इज अ क्लस्टर ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स।
तो अगर वहां पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, दैट मींस जो उनके लेबर हैं उनके पास काफी एक्सपीरियंस है सेमीकंडक्टर बिजनेस का, एंड हेंस जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो ताइवान की तरफ काफी अट्रैक्टेड हैं। ऑल्सो ताइवान में सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि वहां पर अगर क्लस्टर है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का तो वहां पर सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज तो होंगी ही। सो दैट मीन्स अगर कोई कंपनी है जो सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस करती है तो वो ताइवान की तरफ अट्रैक्टेड होगी रादर देन किसी और कंट्री की तरफ। सिमिलरली अगर हम इंडिया के एग्जाम्पल लें तो इंडिया में हैदराबाद में काफी सारी आईटी कंपनीज हैं, एंड हेंस फॉरेन एंटिटीज जो हैं वो हैदराबाद में अपनी आईटी डिपार्टमेंट को सेटअप करना चाहती हैं, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, इंफोसिस एटसेट्रा। तो जब डिफरेंट कंट्रीज इंडिया को कंसिडर करती हैं टू सेटअप इट्स आईटी डिपार्टमेंट, ये किस लिए किया जाता है? क्योंकि इंडिया के पास लोकेशन एक्सटर्नैलिटीज का बेनिफिट है, यहाँ पर ऑलरेडी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, एंड ऑल्सो इंडिया में काफी सारे इंजीनियर्स हैं जो कि लो वेजेस पर काम करने के लिए रेडी होते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द लोकेशनल एक्सटर्नैलिटीज। द लास्ट पॉइंट अंडर कंट्री फैक्टर्स इज एक्सचेंज रेट्स। तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप जिस कंट्री में एंटर कर रहे हैं फॉर सेटिंग अप द प्रोडक्शनल एक्टिविटीज, उस कंट्री का एक्सचेंज रेट जो है आपकी कंट्री के साथ वो स्टेबल हो, अदरवाइज काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ड्यू टू अप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट टाइप के फैक्टर्स जो कि एक फर्म को कंसिडर करने चाहिए अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को दूसरी कंट्री में सेटअप करने से पहले, वो है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। अब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट। आई होप आपको ये पता होगा कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। दीज आर दोज कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी विद द आउटपुट। तो जैसे कि रेंट है, कितना भी आउटपुट इंक्रीज हो जाए आपका रेंट सेम रहेगा, राइट? वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स और 1000 यूनिट्स, तो रेंट तो आपको सेम ही देना पड़ेगा। सो दीज आर दी फिक्स्ड कॉस्ट। सो लेट अस डिस्कस दिस फिक्स्ड कॉस्ट वंस। तो अगर आपके फिक्स्ड कॉस्ट जो है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करने की वो $5 बिलियन है, विच इज क्वाइट हाई, तो क्या आप अलग अलग कंट्री में उस प्लांट को सेटअप करेंगे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि अगर आप ए में जाते हैं वहां पे आपको 5 बिलियन लगाना पड़ेगा, देन इन बी यू हैव टू इन्वेस्ट 5 बिलियन, देन इन सी यू हैव टू इन्वेस्ट 5 बिलियन। सो दिस इज अ ह्यूज कॉस्ट एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू सेट अप योर यूनिट्स इन टू डिफरेंट कंट्रीज। सो जब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हाई हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना प्लांट जो है वो एक सिंगल लोकेशन पर रखना चाहिए। अब इसी का ऑपोजिट केस क्या होगा कि अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कम है तो हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग अंडर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इज मिनिमम एफिशिएंट स्केल। तो बेसिकली पहले हम समझते हैं कि मिनिमम एफिशिएंट स्केल का मतलब क्या होता है। तो जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसके अलावा हमारी जो ये कॉस्ट है वो कैसे कम हो सकती है? अगर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो इंक्रीज हो जाए। बट ये जो दोनों केसेस हैं, दैट इज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, वो एक लेवल तक ही काम करेंगे। एक पॉइंट के बाद आपका जो प्लांट लेवल स्केल इकोनॉमीज है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं मिनिमम एफिशिएंट स्केल। सो लेट अस सी द डायग्राम। तो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो रही है। बट एक पॉइंट के बाद जब आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो आपकी कॉस्ट जो है वो स्टेबलाइज हो गई, वो फर्दर रिड्यूस नहीं हो रही। तो ये जो पॉइंट है दैट इज ए, दिस इज नोन एज मिनिमम एफिशिएंट स्केल। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि जो मिनिमम एफिशिएंट स्केल है वो हमें कैसे हेल्प करता है ये जानने में कि हमें अपनी जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वो एक कंट्री में रखनी चाहिए या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में सेटअप
करना चाहिए. सो लेट अस अज्यूम कि पर्सनल कंप्यूटर्स की जो डिमांड है वो 35 बिलियन है पर ईयर, राइट? लेकिन जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अपने मिनिमम एफिशिएंट स्केल पर 250,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पा रही है, दैट टू पर ईयर. सो अगर कंपेयर किया जाए जो डिमांड है वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग से काफी ज्यादा है, तो हमें जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में करनी चाहिए, क्योंकि हर एक लोकेशन पे जो हमारी मिनिमम एफिशिएंट स्केल है वो किस पर आ जाएगा, 250,000 पे. दैट मींस अगर हमने एक कंट्री में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की तो वहां पर हम लोएस्ट कॉस्ट जो है उस पर बना पाएंगे 250,000 यूनिट्स. सिमिलरली बी में भी हम 250,000 बना पाएंगे, सिमिलरली सी में भी, एंड सो ऑन. तो यहाँ पर बेनिफिट है अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अपनी यूनिट्स को सेटअप करें. सो इसकी इम्प्लीकेशन क्या हुई कि अगर हमारा जो मिनिमम एफिशिएंट स्केल है वो कम है कंपेरेटिव टू आर डिमांड, देन हमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर अपनी यूनिट सेटअप करनी चाहिए. वेयर एज अगर हमारा मिनिमम एफिशिएंट स्केल जो है वो काफी ज्यादा है हमारी डिमांड से, तो हमें सिर्फ एक ही लोकेशन पर सेट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सनल कंप्यूटर्स की जो डिमांड है वो सिर्फ 25,000 है और हम मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं 250,000, तो डिफरेंट कंट्रीज में जाने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज वी आर एबल टू फुलफिल दिस डिमांड, राइट? अब जो लास्ट पॉइंट बचता है अंडर द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स वो है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग एंड मास कस्टमाइजेशन. तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग को समझते हैं. तो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इसका क्या मतलब था कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारी कॉस्ट डिक्रीज होती है. तो ऑब्वियसली जब हम अपने आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर प्रोड्यूसिंग सेम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. सो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और कॉस्ट को कम करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रोड्यूसिंग द सेम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट. दैट मीन्स वी आर मेकिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स. तो हम अपने प्रोडक्ट की वैरायटी को यहाँ पर लिमिट कर रहे हैं. तो बेसिकली अगर हम अपनी प्रोडक्ट की वैरायटी को लिमिट नहीं करेंगे तो हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव नहीं कर पाएंगे. दैट मीन्स हमारी कॉस्ट जो है वो कम नहीं हो पाएगी. तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली एक ट्रेड ऑफ चलता है बिटवीन यूनिट कॉस्ट एंड द वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट. तो अब जो ये पूरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फंडा है इसको किसने चैलेंज किया, इसने चैलेंज किया फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ने. सो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी क्या कहती है कि आप अपने सेटअप टाइम को रिड्यूस करो, आप स्केड्यूलिंग को इम्प्रूव करो अपनी कंपनी की वाइल द यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल मशीन्स, और सारे जो स्टेजेस हैं उन पर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करो. तो अगर ये तीन चीजों को आप फॉलो करोगे तो आप अपनी कॉस्ट को भी कम कर पाओगे और आपको स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट भी नहीं बनाना पड़ेगा. दैट मींस आपकी जो वैरायटी है प्रोडक्ट्स की वो भी इंक्रीज हो जाएगी. सो लेट अस टेक वन एग्जांपल. तो जो कंपनी है टोयोटा, उन्होंने फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का काफी अच्छा यूटिलाइजेशन किया है. तो उनके जो एक इंजीनियर थे ताइची ओनो, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था. उन्होंने देखा कि जो मास प्रोडक्शन होती है उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हैं. तो उन्होंने तीन प्रॉब्लम्स को स्टेट किया. फर्स्ट प्रॉब्लम वाज कि जो लॉन्ग प्रोडक्शन रन्स है उनसे हम बहुत सारी इन्वेंटरीज को बना लेते हैं, और इन इन्वेंटरीज को रखने के लिए हमारी जो वेयर हाउसिंग की कॉस्ट आती है वो काफी हाई आती है. तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट इंक्रीज हुई. सेकेंडली अगर हम जब इनिशियली अपनी मशीन की सेटिंग कर रहे हैं वो अगर गलत हो जाए तो हमारे जो डिफेक्ट्स हैं प्रोडक्ट में वो काफी इंक्रीज हो जाएंगे. एंड थर्डली जब हम मास प्रोडक्शन करते हैं तो हम अपने कस्टमर्स की वेरीड डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते, मतलब कि हम अपने कस्टमर को प्रोडक्ट डाइवर्सिटी नहीं दे पाते. सो इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने शॉर्टर प्रोडक्शन रन्स को इकोनॉमिकल बनाने की कोशिश की, क्योंकि ये आपको पता होगा बोला जाता है कि जितना
छोटा प्रोडक्शन रन होगा उसकी कॉस्ट उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन उन्होंने इसको इकोनॉमिकल बनाने की कोशिश करी, उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स बनाई जिससे कि हमारा जो सेटअप टाइम है वो रिड्यूस हो सके। एंड उनकी टेक्निक से क्या हुआ, जो उनकी स्टैम्पिंग इक्विपमेंट थी उनका जो काम था वो पहले किया जाता था फुल डे में, राइट, पूरा एक दिन लगता था उस काम को करने के लिए, और उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से अब सिर्फ 3 मिनट्स लगते हैं, राइट। तो उन्होंने सेटअप टाइम जो है वो काफी कम कर दिया। उसके अलावा सिंस शॉर्टर प्रोडक्शन रन्स थे तो हमारी जो इन्वेंट्री को मेंटेन करने की कॉस्ट है वो भी काफी कम हो गई। उसके अलावा हमारे जो डिफेक्ट्स हैं वो भी कम होने लग गए। एंड ऑल्सो शॉर्टर प्रोडक्शन रन की वजह से हम अपने कस्टमर्स की डाइवर्स नीड्स को फुलफिल कर पाए। सो उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स को टैकल किया और विद द हेल्प ऑफ शॉर्टर प्रोडक्शन रन उन्होंने कॉस्ट को भी कम किया एज वेल एज अपने प्रोडक्ट की वैरायटी को भी बढ़ाया। सो दिस होल इज नोन एज फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट ट्रेड ऑफ होता है हमारी यूनिट कॉस्ट में और प्रोडक्ट वैरायटी में। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ने क्या बोला कि सेटअप टाइम को रिड्यूस करो, इंडिविजुअल मशीन्स की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करो बाय बेटर स्केड्यूलिंग, और क्वालिटी को कंट्रोल करो हर एक स्टेज पर सो दैट हमारे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है जो वो कम हो जाए। एंड हेंस इस टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ, कॉस्ट भी कम आ गई और प्रोडक्ट की कस्टमाइजेशन भी पॉसिबल हो गई। पहले क्या होता था, स्टैंडर्डाइजेशन, तो स्टैंडर्डाइजेशन से हम कस्टमाइजेशन पर मूव कर गए। नाउ द लास्ट फैक्टर्स विच वी नीड टू कंसिडर आर द प्रोडक्ट फैक्टर्स। अब प्रोडक्ट फैक्टर्स में क्या है, वैल्यू टू वेट रेशियो, मतलब कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है और उसका वेट कितना है। तो अगर आपका वेट बहुत ज्यादा होगा प्रोडक्ट का, दैट मीन्स हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी हाई रहेगी। सो जैसे कि रिफाइंड शुगर है, पेंट है, पेट्रोलियम है, ये सब जो है वेट में काफी ज्यादा होते हैं और वैल्यू में कम होते हैं, एंड हेंस इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इनकी इन्वेंट्री कॉस्ट एंड सो ऑन काफी ज्यादा होती है। तो इसीलिए हमें अपनी प्रोडक्शन को मल्टीपल लोकेशंस में करना चाहिए सो दैट हम मेजर मार्केट्स के पास रहें। तो अगर शुगर एक कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है तो वो ए की डिमांड्स को फुलफिल करेगी, सिमिलरली बी में बी की डिमांड को, सी में सी की डिमांड को। लेकिन अगर हम सिर्फ एक ही कंट्री में जैसे कि डी में अपनी शुगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रखते हैं और फिर ए बी और सी में एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आएंगी, क्योंकि जो शुगर का वेट है वो बहुत ज्यादा होता है कंपेरेटिव टू इट्स वैल्यू। सो जब लो वैल्यू टू वेट रेशियो हो तब हमें मल्टीपल लोकेशंस में अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स को सेट करना चाहिए। लेकिन अगर हाई वैल्यू टू वेट रेशियो है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स में, तब हमें एक ही लोकेशन पर अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करना चाहिए। देन द यूनिवर्सल नीड्स, यूनिवर्सल नीड्स में क्या है कि अगर कस्टमर की टेस्ट और प्रेफरेंसेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दैट मीन्स कि हमें लोकल रिस्पॉन्सिवनेस की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड हेंस हम एक ही लोकेशन से सारी डिमांड्स को फुलफिल कर पाएंगे। सो दिस चार्ट शोज द सेम थिंग्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। मैं आपको ये एक बार पढ़ना बता देती हूँ, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट ऑन योर ओन। तो अगर हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो डिफरेंसेस हैं वो सब्सटैंशियल हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा हैं, तो इट इज बेटर टू प्रोड्यूस एट वन लोकेशन, मतलब कि हमें अपने प्रोडक्शन को कंसेंट्रेटेड रखना चाहिए। एक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर देख लेते हैं, अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो हमें कंसेंट्रेटेड प्रोडक्शन करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में करेंगे तो हमारी कॉस्ट और ज्यादा बढ़ती जाएगी। सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट फैक्टर्स, अगर हमारी वैल्यू टू वेट रेशियो बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स हाई वैल्यू टू वेट, राइट, हमारी वैल्यू ज्यादा है वेट कम है, दैट मीन्स हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, तो हम एक ही लोकेशन पर सेटअप कर सकते हैं। सो दिस टेबल हैज बीन गिवन इन योर PDF ऑल्सो, यू कैन गो थ्रू देम वंस, आपको ये इजिली समझ आ जाएगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पोस्ट इट इन आर टेलीग्राम ग्रुप।
Now, the next thing which we need to discuss is hidden cost of foreign locations. तो हम जब किसी और कंट्री में जाके अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को सेटअप करते हैं या फिर आउटसोर्स करते हैं लोकेशंस को, तो उस लोकेशन की कुछ हिडन कॉस्ट होती हैं जो कि हम नहीं देख पाते, और उन कॉस्ट की वजह से हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस दिस पॉइंट इन डिटेल. तो हम हिडन कॉस्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट. राइट, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी. सो माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में भी अपना एक प्लांट सेटअप किया है. अब उन्होंने इंडिया को क्यों चूज किया, इसके पीछे फोर रीजंस थे. फर्स्ट वन वाज कि जो वेज रेट है यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स की वो काफी कम है कंपेयर टू यूएस. उसके बाद जो इंडिया के लोगों की एजुकेशन है, दैट इज हायर एजुकेशन सिस्टम है जो इंडिया में, दैट इज वेरी गुड. और उसकी वजह से कंप्यूटर साइंस मेजर्स में बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन करते हैं. हैदराबाद में बहुत सारी आईटी कंपनी सिचुएटेड है. फाइनली माइक्रोसॉफ्ट में बहुत सारे इंडियन एम्प्लॉयज थे इन यूएस, और वो ऑब्वियसली वापस से इंडिया में शिफ्ट करना चाहते थे. सो माइक्रोसॉफ्ट डिसाइडेड कि वो इंडिया में ही एक प्लांट सेटअप कर देंगे, एंड हेंस हैदराबाद वॉज चूजन. तो अब इन फैक्टर्स को तो उन्होंने कंसिडर किया, बट जब उन्होंने अपने प्लांट को हैदराबाद में सेट कर दिया, उसके कुछ साल बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि इंडिया में टर्नओवर रेट जो है वो यूएस के कंपैरेटिवली बहुत हाई है. यहाँ पर लोग इजीली जॉब्स को स्विच कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर जॉब्स की तो कोई कमी नहीं है. पूरे हैदराबाद में इतनी सारी आईटी कंपनीज हैं, पीपल कैन इजीली शिफ्ट. राइट, तो जो टर्नओवर रेट है वो काफी ज्यादा है. तो बेसिकली ए से बी पर शिफ्ट किए ताकि पे बढ़ जाए, फिर सी पर शिफ्ट किए ताकि और पे बढ़ जाए, एंड सो ऑन. तो जो ये टर्नओवर रेट हाई है, ये थी इंडिया की हिडन कॉस्ट. तो ये हिडन कॉस्ट को कंसिडर करना बहुत जरूरी है. सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी जिसने अपनी जो प्रोडक्शन यूनिट है वो चाइना में सेटअप की, और आफ्टर फोर इयर्स दे रियलाइज्ड कि वहां पर जो डिलीवरीज है वो काफी लेट हो रही है, और जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो काफी पुअर है, एंड हेंस दे डिसाइडेड टू मूव देयर प्रोडक्शन बैक टू यूएस. तो ये जो कंपनी थी वो थी जनरल इलेक्ट्रिक. सो बेसिकली हर एक कंपनी को हिडन कॉस्ट को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, और फिर ही किसी कंट्री में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करना चाहिए, क्योंकि वहां की जो एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर है वो हो सकता है काफी हाई हो, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था इन इंडिया. वहां की वर्कमैनशिप काफी शॉडी हो सकती है, प्रोडक्ट क्वालिटी काफी पुअर हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल इन चाइना प्रोडक्टिविटी जो है वर्कर्स की वो भी काफी कम हो सकती है, और ये सारे जो इश्यूज हैं वो बेसिकली कंपनी को जब पता लगते हैं जब वो वहां पर इन्वेस्ट कर चुकी होती है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दीज कॉस्ट एंड टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट आता है फॉरेन प्रोडक्शन साइट्स का स्ट्रैटेजिक रोल. तो बेसिकली जो फॉरेन साइट्स हैं उनका जो स्ट्रैटेजिक रोल है वो इवॉल्व हो सकता है ओवर द टाइम. मतलब जरूरी नहीं है कि एक पॉइंट पर अगर वो इस लेवल पर काम कर रहे हैं वो इसी लेवल पर रहें. ओवर द टाइम इनका जो लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है. दैट मीन्स उनका स्ट्रैटेजिक रोल जो है वो इवॉल्व हो सकता है. अब उसके इवॉल्व होने के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? सो द फर्स्ट रीजन इज प्रेशर फ्रॉम द सेंटर टू इम्प्रूव द साइट्स कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड कस्टमाइज अ प्रोडक्ट टू डिमांड ऑफ द कंज्यूमर इन अ पर्टिकुलर नेशन. इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है एचपी. राइट, तो एचपी ने सिंगापुर में अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप की थी ड्यू टू लोअर वेजेस, लेकिन धीरे धीरे वहां के वर्कर्स ने अच्छा काम किया एंड एचपी फाइनली शिफ्टेड देयर डिजाइन डिपार्टमेंट एज वेल एज द फाइनल असेंबली डिपार्टमेंट इन सिंगापुर. नहीं तो पहले सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट थी वहां पर, धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि सिंगापुर के जो वर्कर्स हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है एंड दे आर एबल टू हैंडल डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, तब उन्होंने अपने डिजाइन डिपार्टमेंट एज वेल एज फाइनल असेंबली डिपार्टमेंट को भी सिंगापुर में शिफ्ट कर दिया. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कैसे इवॉल्व हुई या वो कैसे इंक्रीज हुई. तो बेसिकली
एचपी के हेडक्वार्टर से ऑर्डर्स आए थे कि उनको अपनी कॉस्ट को कम करना है, एज वेल एज जो प्रोडक्ट की डिजाइंस हैं उनको कस्टमर्स के अकॉर्डिंग बनाना है। तो सिंगापुर के जो वर्कर्स थे या फिर जो सिंगापुर में इंजीनियर्स थे एचपी के अंडर, उन्होंने बोला कि दे वांट टू रीडिजाइन देयर प्रोडक्ट्स। तो उन्होंने इन प्रोडक्ट्स को रीडिजाइन किया और किसके अकॉर्डिंग किया, अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर्स। और जब उन्होंने रीडिजाइन किया तो उन्होंने ऐसी टेक्निक्स को यूज किया कि जिससे कि उनकी कॉस्ट भी कम हो गई। एंड हेंस एचपी के एग्जीक्यूटिव्स ने रियलाइज किया दैट दिस यूनिट इन सिंगापुर इज वेरी एफिशिएंट, एंड उन्होंने अपनी डिपार्टमेंट्स को यहाँ शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। सो स्ट्रैटेजिक रोल जो है वो इम्प्रूव हुआ यहाँ पर सिंगापुर के इंजीनियर्स का, ड्यू टू द फैक्टर दैट दे डिक्रीज देयर कॉस्ट एज वेल एज इम्प्रूव देयर डिजाइन अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स। उसके अलावा सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीजिंग अबंडेंस ऑफ द एडवांस्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द नेशन इन विच द फैक्ट्री इज लोकेटेड। तो बेसिकली आप यहाँ पर एडवांस्ड फैक्टर्स लेकर आओ जिससे कि उनकी कम्युनिकेशन, उनकी ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके एजुकेशन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाए। एंड फाइनली अगर ये सारी चीजें इम्प्रूव होंगी तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, उस फैक्ट्री को जो कि वहां पर लोकेटेड है।